अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं आज आपको होममेड दही बनाना सिखा रही हूँ। होममेड दही बनाने के लिए हमें 1 टीस्पून दही चाहिए, 1 पाव दूध नीम गरम है, हमने इसको उबाल आने पर ठंडा कर लिया था, अब ये नीम गरम है। सबसे पहले हम इसमें स्टील या मिट्टी के बर्तन में हम दही डालेंगे, दही को फैला लेंगे इस तरह से, साथ में हम नीम गरम दूध डालकर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत तेज़ तेज़ नहीं करना, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके 12 घंटों के लिए छोड़ देंगे। 12 घंटों बाद हम आपको दिखाएंगे व्यूवर्स कि हमारा दही कैसा तैयार है। ढक के रख दिया है, अब हमें इसको किसी सूरत भी हिलाना नहीं है, मतलब लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, हिला के खोल के देख रहे होते हैं, लिड हटा के देख रहे होते हैं कि जमा है या नहीं जमा। आप इसको एटलीस्ट 12 घंटे दें, वरना ये प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होगा। 12 घंटों बाद हम आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। व्यूवर्स, 12 घंटे गुजर चुके हैं, अब हम अपनी दही को देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है, बनी कैसी है। व्यूवर्स, हमारी दही तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम आप इसको निकाल के और यूज़ भी कर सकते हैं, हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें कितनी बेहतरीन दही तैयार हुई है, ये देख सकते हैं व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। इस तरह करके हम तमाम दही इसके अंदर डाल देंगे, हमारी होममेड दही तैयार है। आप इसको अब यूज़ कर सकते हैं, आप इससे दही बड़े बनाएं, कढ़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, किसी भी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लस्सी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, मिट्टी की बर्तन में जमाइएगा ताकि उससे रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। मिट्टी में प्रोबायोटिक होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करें, सुन्नत भी है। और दूसरा ये कि मिट्टी के बर्तन सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उससे खाने में जो भी जरासीम वगैरह होते हैं वो नहीं जाते और वो फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। बहरहाल व्यूअर्स, हमारी होममेड दही तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो उसे हमारी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रेसिपीज़ जो जो नई नई रेसिपीज़ हम डालेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाएगी और आप हमारी रेसिपीज़ को बना कर और इन्जॉय कर सकेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।